20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की सुसाइड। शादी वाले घर में पसरा मातम। शिवपुरी जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लाल माटी इलाके में बीती रात एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक का शव कमरे में फंगे से कुंदे से लटका मिला, जिसे देखकर घर में कोहराम मच गया है। आनन फानन में परिजन युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सौरभ पुत्र अनूप सेन उम्र 20 वर्षीय निवासी लाल माटी ने मंगलवार की रात करीब 8:30 बजे अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक सौरभ के ताऊ के लड़के की शादी 12 दिसंबर को हुई थी। परिवार के सभी लोग शादी में व्यस्त थे। इस दौरान सौरभ ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार में मातम छा गया है। सौरभ ने आत्महत्या क्यों की फिलहाल इसका पता नहीं चला है। पुलिस सुसाइड के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनीष सेन। ये कौन थे आपके जिसने फांसी लगाई? चाचा का लड़का भाई। क्या नाम था? सौरभ सेन। सौरभ सेन, क्या कारणों की वजह से फांसी लगाई? कारण तो कुछ ऐसा समझ में आया नहीं है, ऐसा कोई कारण भी नहीं है। हमारे घर पे तो शादी है, तो शादी में हम लोग तो पूजा पाठ कर रहे थे, तो बस ऐसे ही जब इसको भगूत देने के लिए इसको देखा, बुलाया, तो जो रूम में पंखे से लटका हुआ मिला, दोनों तरफ की कुंडियाँ बंद थी और सॉल होती है अपनी, सॉल से लगाई थी। अच्छा, तो ये इसकी शादी वादी हो गई थी क्या? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। तो आज आपके घर में शादी थी? आज की शादी है हमारे घर। किसकी शादी है? वो भी चाचा के लड़के की है, जो एक और चाचा है उनके लड़के की। तो उसका कोई कारण तो निकल के सामने? ऐसा कोई कारण ही नहीं है, कुछ करते नहीं था, बढ़िया दुकान चलाता था वो। दुकान चलाता कटिंग की, हेयर कटिंग की दुकान। कहाँ पे? वही 28 नंबर को थी।